कॉमर्स एंड आर्ट्स। आज का जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के की पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स को रिवाइज करना। सबसे पहला क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सबसे पहला साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम कहां जनरेट होती है? प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा। फिर वो प्रोड्यूसर्स क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज को वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड क्या करते हैं, यानी कि हम सब क्या करते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज पर, और जिससे कि वापस हमारा जो पैसा है कहां चला जाता है, प्रोड्यूसर के पास डिस्पोज हो जाता है। इसी को तीन फेजेस कहते हैं। सबसे पहला जनरेशन फेज, जहां पर इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन फंक्शन में, दूसरा है या प्रोडक्शन प्रोसेस में, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पर इनकम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर में अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जबकि तीसरा क्या है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी कि डिस्पोजिशन फेज। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड अपने पैसे को खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज पर, वो वापस चला जाता है प्रोड्यूसर के पास। अगला जो है फ्लो वेरिएबल, ये क्या कहलाता है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अप्रैल के अंदर कितनी कार प्रोड्यूस हुई, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। जबकि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सेम रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है, या 1000 लीटर का वाटर टैंक, उसमें 1000 लीटर पानी स्टॉक है, जबकि पानी का फ्लो पाइपलाइन के थ्रू जो लगातार हो रहा है वो कहलाता है फ्लो। इसी तरह से रियल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का है, इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड क्या कराएंगे, लैंड लेबर को प्रोवाइड कराएंगे और कुछ मशीनरीज को, जिससे कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, वापस कहाँ चली जाएगी, वो हाउस होल्ड्स के पास यानी कि कंज्यूमर के पास। तो रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, कहां से, फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म और फिर फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अगला जो है मनी फ्लो, ये पेमेंट का फ्लो है, पेमेंट जनरेट कहां होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, वहां से कहां जाती है, कंज्यूमर्स के पास यानी कि हाउस होल्ड्स के पास, और फिर वहां से वो खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज पर, जो कि वापस डिस्पोज हो जाती है प्रोड्यूसर तक। तो ये है इसकी डेफिनेशन, फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो यहां पर पैसे का फ्लो है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एज पेमेंट, और हाउस होल्ड क्या करता है, खर्च करते हैं उस पेमेंट को और वो डिस्पोज हो जाती है और कहां चली जाती है, प्रोड्यूसर के पास। तो ये चैप्टर वन के की रिवीजन पॉइंट थे, जिनको कि आप आसानी से समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।